मैं आज रात्रि में थाना सेना पुलिस हाजीपुर पुलिया के पास चेकिंग कर रही थी, तभी मुखबिर की सूचना थाना सेना को प्राप्त हुई, जिसमें पता चला कि एक हंग बाइक पे दो संदिग्ध व्यक्ति अवैध असले के साथ बोगरासी से सियाना की तरफ जा रहे हैं। हाजीपुर पुलिया के पास थाना सेना पुलिस द्वारा चेकिंग करते हुए इन्हें रोकने का प्रयास किया गया, परंतु बाइक सवार लड़कों द्वारा पुलिस पर फायर किया गया। इसमें इनको रोकने पर भी इनके द्वारा कई राउंड फायर किए गए। थाना सेना द्वारा इन पे भी फिर जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें एक अभियुक्त घायल हो गया एवं दूसरा अभियुक्त मौके से फरार हो गया। घायल अभियुक्त को तत्काल मेडिकल के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया है। सियाना पुलिस इसमें बाल बची। इसमें प्राथमिक पूछताछ में पता चला है कि जो व्यक्ति घायल हुआ है, जो अपराधी है, उस पर लगभग 3 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। इसका नाम है राजेश पुत्र स्वर्गीय धर्मवीर सिंह, ये ग्राम सिहाली नगर उर्फ शरिया, थाना आहार, जनपद बुलंदशहर का रहने वाला है। इस पे गंभीर अपराध जैसे 307, गैंगस्टर, लूट, डकैती एवं चोरी के 3 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। इस व्यक्ति द्वारा जो अभी 3 दिन पूर्व सियाना थाना पे पेट्रोल पंप पे जो लूट की गई थी, इसे भी स्वीकारा गया है। इस अभियुक्त के उससे जब पूछताछ के बाद बरामदगी चेक की गई तो इसके पास से एक अवैध असला, एक जिंदा कारतूस और 3 खोखे बरामद हुए हैं। इसके पास एक ब्लैक कलर का पिट्ठू बैग, जिसमें दस्ताने चोरी करने के लिए जो ये इस्तेमाल में लाते थे चीज़ें, जिसमें एक पेचकस है, लोहे की रॉड है और पेट्रोल पंप में से जो लूटे गए पैसे थे उसमें से 12,510 रुपये बरामद किए गए हैं और भी अन्य चीज़ें इसके बैग से बरामद हुई हैं। अभी जो जितना हमें पता चला है, इस पर बहुत सारे मुकदमे दर्ज हैं। ये हमारे यहाँ का, हमारे ज़िले का 25,000 का इनामी एवं वांछित अपराधी है। अभी इसमें इस संबंध में और भी जानकारी की जा रही है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।